नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश अपने ऐतिहासिक व पौराणिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं से संबंधित अनेक मंदिर हैं, जो आज भी भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र बने हुए हैं। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु इन मंदिरों के दर्शन करने आते हैं। हिमाचल प्रदेश में भगवान शिव से संबंधित भी मंदिर मौजूद हैं। यहाँ पर माना जाता है कि भगवान शिव किसी ना किसी रूप में दर्शन देते हैं। ऐसा ही एक आस्था का केंद्र तीर्थ स्थल है मणिमहेश। माना जाता है कि स्थान पर भगवान शिव ने कई सदियों तक तप किया था। इसके बाद से यह पर्वत रहस्यमय बन गया और कई कथाएं इसके साथ जुड़ गई। कहा जाता है कि आज तक इस पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ पाया, जो ऊपर गया वह आज तक वापस नहीं लौटा। मणि के रूप में होते हैं भगवान शिव के दर्शन। विश्व प्रसिद्ध मणि महेश तीर्थ स्थान देवभूमि हिमाचल के तहसील भरमौर में पीर पंजाल की पहाड़ियों के पूर्वी भाग में स्थित है। यह तीर्थ स्थान चंबा से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर मणि महेश नाम का एक सरोवर है, जो समुद्र तल से तकरीबन 13,500 फीट की ऊंचाई पर है। इसी सरोवर की पूर्व दिशा में स्थित है यह पवित्र पर्वत। माना जाता है कि मणि महेश के शिखर पर भगवान शिव चमकती हुई मणि के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। मणि महेश के शिखर पर भौर में एक प्रकाश उभरता है, जो बाद में तेजी से यहां पर स्थित झील में प्रवेश कर जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव पर्वत पर बने अपने स्थान पर विराजमान होने के लिए आ गए हैं, तथा जो प्रकाश उभरता है वह उनके गले में सुशोभित नाग की मणि का है। ऐसे पड़ा मणि महेश नाम। विद्वानों के अनुसार इस पर्वत के शिखर पर भगवान शिव शेषनाग मणि के रूप में विराजमान है। इसी रूप में शिव अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। इसके अतिरिक्त मणि महेश शब्द का अर्थ है महेश के मुकुट में नगीना। पार्वती के साथ रहने के लिए बनाया मणि महेश। माना जाता है कि भगवान शिव ने पार्वती के संग रहने के लिए मणि महेश की रचना की थी। इस स्थल पर भगवान शिव शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं और माता पार्वती को यहां देवी गिरजा के रूप में जाना जाता है। पर्वत पर चढ़ना है असंभव। माना जाता है कि मणि महेश पर्वत पर चढ़ाई करना नामुमकिन है। जो भी इस पर्वत पर गया वापिस नहीं लौटा। 1968 में इंडो जैपनीज की एक टीम ने इस पर्वत पर चढ़ाई की कोशिश की, लेकिन असफल रही। पर्वत की चढ़ाई से जुड़ी कथाएं। स्थानीय लोगों के अनुसार कई वर्ष पहले एक गडरिया अपनी भेड़ों के साथ इस पर्वत पर चढ़ रहा था, लेकिन पर्वत के शिखर पर पहुंचने से पहले ही वह अपनी भेड़ों के सहित पत्थर का बन गया। माना जाता है कि आज भी गडरिया व उसकी भेड़ें छोटे छोटे पत्थरों के रूप में मणि महेश पर्वत पर मौजूद हैं। एक और कथा के अनुसार एक सांप ने भी शिखर तक पहुँचने की कोशिश की थी, लेकिन वह भी पत्थर का बन गया। सूर्य की किरणों से बदलता है रंग। सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें पर्वत के शिखर पर पड़ती हैं, तो संपूर्ण दृश्य स्वर्णिम हो जाता है। माना जाता है कि मणि महेश पर्वत पर शाम या रात के मध्य काल के समय में भगवान शिव दर्शन देते हैं। अगर मौसम साफ रहे तो भक्त आसानी से शिखर पर विराजमान भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। लोगों का मानना है कि मणि महेश पर्वत का शिखर हमेशा बादलों या बर्फ से ढका रहता है। कहा जाता है कि यह शिखर उसी को दिखाई देता है जो भगवान शिव को उस समय सच्चे मन से याद कर रहा हो या पूरी तरह से पाप मुक्त हो। मणि महेश की यात्रा। मणि महेश यात्रा की खोज का श्रेय सिद्ध योगी चरपट नाथ जी को जाता है। यात्रा आरंभ करने से पहले भरमौर से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी के शिखर पर ब्रह्मा जी की पुत्री भरमानी का मंदिर स्थित है। यात्रा से पहले यहाँ पर माथा टेकने से ही मणि महेश की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। चंबा से 65 किलोमीटर दूर भरमौर 84 में रुकने के बाद यात्री आगे बढ़ते हैं। भरमौर 84 भी एक धार्मिक स्थल है, जो 84 सिद्धों के तप स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहां पर धर्मराज का मंदिर स्थित है। चंबा से भरमौर की दूरी 70 किलोमीटर व भरमौर से हड़सर की दूरी 13 किलोमीटर है। हड़सर से संकरे पथरीले रास्ते से होते हुए 14 मील की पैदल यात्रा है। इसके उपरांत भक्त गौरी कुंड व शिव क्रोत्री नामक स्थान पर पहुंचते हैं और मणि महेश के लिए रवाना होने से पहले महिला भक्त गौरी कुंड में तथा पुरुष भक्त शिव क्रोत्री कुंड में स्नान करते हैं। गौरी कुंड पहुंचने के बाद कैलाश शिखर के दर्शन होते हैं। फिर यहां से 1.5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई के बाद श्रद्धालु मणि महेश झील तक पहुँचते हैं। इसी झील से भगवान शिव के भक्त पावन मणि महेश के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, यह थी तीर्थ स्थल मणि महेश से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।